हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले किंगडम एनिमेलिया के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ स्पॉन्ज बेसिकली पोरीफेरा हो जाते हैं। पोरीफेरा के अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, वहीं पे जो सिलेंट्रेट्स हो जाते हैं उनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, पूछा जाता है कि जो एनिमल किंगडम है उसके अंदर एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, प्रेजेंस ऑफ मल्टी सेलुलरिटी। मल्टी सेलर होते हैं, नॉट यूनिसेलर। ओके, नाउ इन ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, देखो आपको पता होगा सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन और क्लोज होता है। तो ओपन टाइप में होता है कि एक्चुअली ब्लड से जो मतलब जो हार्ट से जो भी ब्लड आ रहा है ना वो डायरेक्टली टिश्यूज में जा रहा है। ठीक है, एक ऐसे जैसे मान लीजिए एक ड्रेन है, एक ओपन हो गया, ये यहाँ पे ऐसे ऐसे टिश्यू, ये पूरा ब्लड जा रहा है और टिश्यूज इसमें डायरेक्टली बेस्ड है ब्लड में। तो ये चीज यही लिखा गया यहाँ पे, एंड द टिश्यूज आर डायरेक्टली बेस्ड इन इट। नाउ व्हेन एनी लॉन्गिट्यूडनल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू आइडेंटिकल हाफ, इट इज कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्री। ये इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाता है यहाँ पे, वर्ड ऑफ डिस्कशन इज एनी। कोई भी लॉन्गिट्यूडनल प्लेन अगर आप पास करोगे थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी तो डेफिनेटली क्या होने वाला है, दो आइडेंटिकल हाफ में अगर वो ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो रहा है सो दैट इज रेडियल सिमेट्री। नाउ व्हेन ओनली वन प्लेन कैन डिवाइड द बॉडी इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ, इट इज कॉल्ड एज बायलैटरल सिमेट्री। नाउ आपके लिए एक छोटा सा टास्क है, आप एग्जाम्पल दीजिएगा रेडियल सिमेट्री वाला ऑर्गेनिज्म और बायलैटरल सिमेट्री वाले, और एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर दोनों देखने को मिलता है। अगर मैं वो बता दूं आपके लिए दोनों देखने वाला तो आपको याद आ रहा होगा इकाइनोडर्म्स, राइट? इकाइनोडर्म्स में एक कहानी आती है। चलिए, नाउ एनिमल इन विच द सेल्स आर अरेंज इन टू एम्ब्रायोनिक लेयर, बाहर वाला एक्टोडर्म और अंदर वाला एंडोडर्म, उसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में सिर्फ दो जर्म लेयर्स रहते हैं, कौन कौन से, एक आपका एक्टोडर्म रहता है और एक आपका एंडोडर्म रहता है। वहीं पे जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं उनके पास एक्स्ट्रा जर्मिनल लेयर आ जाता है बीच में, उसको बोलते हैं मेसोडर्म। और मेसोडर्म लिख लीजिएगा यहाँ पे किस में प्रेजेंट होता है, फ्रॉम प्लैटीहेलमिंथिस टू कॉर्डेट। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि प्लैटीहेलमिंथिस इज डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो आंसर विल बी ऑब्वियसली ट्रिप्लोब्लास्टिक। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड एज सिलोम। तो बहुत बार पूछा जाता है सिलोम किसके पास प्रेजेंट है, एक छोटा सा लाइन बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि जो प्लैटीहेलमिंथिस है उनके पास सिलोम एब्सेंट होता है, तो दे आर असिलोमेट। फाइन, नाउ अब हम लोग यहाँ पे और कवर कर लेते हैं स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोम मतलब फॉल्स सिलोम। फॉल्स सिलोम में मेसोडर्म एक्चुअली पाउच बना के रखता है, लिख लीजिएगा यहाँ पाउच बना के रखता है। इसके लिए आपके लिए कॉमन एग्जांपल एस्केलमाइंथिस आ जाता है, याद रखिएगा एमसीक्यू आता है यहाँ से। द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर असिलोमेट, एग्जांपल मैंने बताया असिलोमेट का प्लैटीहेलमिंथिस, राइट? नाउ आइए आगे बढ़ जाते हैं, जैसे हम लोग तो सिलोमेट है, ठीक है। नाउ द फिनोमेनन इन विच द बॉडी ऑफ एन एनिमल इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट, तो सेगमेंट मिल रहा है विद सीरियल रिपीटेशन, तो उसको मेटामेरिज्म बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म, रिपीटेशन, मेटामेरिज्म। ओके, नाउ आइए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर ऑन द डॉर्सल साइड, डॉर्सल पीछे के साइड। ओके, डॉर्सल साइड ड्यूरिंग द एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, नोटोकॉर्ड का ओरिजिन, इट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन, और ये डॉर्सल पीछे के साइड में, याद रखिएगा। स्पॉन्जेस या फिर जो पोरीफेरा होते हैं, पोरीफेरा के पास एक यूनिक सिस्टम मिलता है, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, कैनल सिस्टम या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, लिख लीजिएगा, पूछा जाता है। नाउ आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे डिस्कशन बेसिकली इन पोरीफेरा वाटर एंटर थ्रू माइन्यूट पोर्स, ये इसमें डायरेक्शन पूछा जाता है। ऑस्टिया से एंटर हुआ पानी अंदर जो कैविटी है पोरीफेरा में, सेंट्रल कैविटी, वहां पे गया पानी, वहां से एग्जिट भी तो करना है ना, एग्जिट किसके थ्रू होता है, ऑस्कुलम के थ्रू। तो ऑस्टिया फिर सेंट्रल कैविटी आ गई। ओके, सेंट्रल कैविटी कॉल्ड स्पॉन्जोसिल, उसके बाद एग्जिट होता है पानी का ऑस्कुलम से, और ये जो अंदर की जो कैविटी हो गई ये सब लाइनिंग भी तो बनता होगा ना, इसका लाइन भी होता होगा, तो इसको लाइन करने वाले सेल्स का नाम आ जाता है क्वानोसाइट या फिर कॉलर सेल्स। तो लिख लीजिएगा ये इंपॉर्टेंट आ जाता है, क्वानोसाइट या फिर कॉलर सेल। नाउ द बॉडी ऑफ द स्पॉन्ज इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल या फिर स्पॉन्जिन फाइबर्स। ओके, अब आता है पोरीफेरा में जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है वो इंटरनल होता है, और डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म आ जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको याद रखना रहता है। तो पोरीफेरा में इनडायरेक्ट हो जाता है और इंटरनल होता है इनका फर्टिलाइजेशन भी। सिलेंट्रेट, सिलेंट्रेट में आपको नीडोब्लास्ट देखने को मिलता है। ओके, आपको याद आ रहा है स्टिंगिंग क्या हुई है, सेल्स के बारे में आपने कैप्सूल के बारे में पढ़ा था। तो नीडोब्लास्ट का काम क्या करते हैं ये लोग, और एंकर करने में, डिफेंस करने में, और कैप्चर ऑफ प्रे, एमसीक्यू आता है यहाँ से इसके फंक्शन से। नीडेरियन एग्जिबिट टू बेसिक ओके बॉडी फॉर्म कॉल्ड एज पॉलिप एंड मेडूसा, इसको याद रखना पड़ेगा। पॉलिप इज बेसिकली सिलेंड्रिकल फिक्स्ड फॉर्म, पॉलिप ऐसा फॉर्म हो जाता है, और जैसे मैंने बोला मेडूसा तो इसको अम्ब्रेला जैसा बना दिया जाता है, राइट? तो मेडूसा, तो मेडूसा इज फ्री स्विमिंग एंड अम्ब्रेला शेप्ड। इसको याद कैसे रखा जाता है, कभी कभी किसी ऑर्गेनिज्म में दोनों जो फॉर्म है ना उसको वो इंटरचेंज होते रहते हैं एक दूसरे में, तो ये जो है ना ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज कॉल्ड एज मेटाजेनेसिस। याद रखिएगा मैं मेटाजेनेसिस बोल रहा हूँ, नॉट मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस रिलेटेड टू कैंसर और ये मेटाजेनेसिस हो रहा है। ओके, नाउ इसके लिए चीट कोड लिख लीजिएगा आप, यहाँ पे काम आने वाला स्पैम, SPAM, ऐसे ही पढ़िएगा आप स्पैम को। ओके, मतलब स्पैम जब आप पढ़ते हो तो कैसे पढ़ सकते हो बताए, SPAM, यहाँ से सीधा सीधा पढ़ के फिर ऐसे घुमा दो, मतलब क्या पढ़ना है आपको देख लीजिए। एस का मतलब होता है सेक्सुअली, पी का मतलब पॉलिप, और ए का मतलब असेक्सुअली, और एम का मतलब मेडूसा। मतलब क्या हो गया, पॉलिप से जब मेडूसा बना रहे होगे तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बना रहे होंगे, अब मेडूसा से जब आप पॉलिप बना रहे होगे ये एरो ऐसे घूमेगा तो सेक्सुअली बना रहे होगे। फाइन, ये चीज याद रख लीजिएगा। ओके, मैंने क्या बोला और एक बार इसको रिपीट कर देते हैं, मे बी गलती ना हो जाए, इसीलिए और एक बार बोलते हैं, फ्लो फ्लो में गलत ना हो जाए। आइए, पॉलिप से जब आप मेडूसा बना रहे हो असेक्सुअली बन रहा है,
आप मेडुसा से जब आप वापस पॉलिप बना रहे हो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनता है, तो यही चीज आपको समझाया गया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नाउ फाइसेलिया का कॉमन नाम आ जाता है निडेरियन पोर्टुगीज मैन ऑफ वार, बहुत बार एमसीक्यू पूछा गया है। एडेमसिया को सी एनिमोन बोलते हैं, पेनेटुला सी पेन, गॉर्गोनिया इज सी फैन, एंड मेंड्रिना को ब्रेन कोरल बोलते हैं, बहुत बार पूछा गया मेंड्रिना के बारे में भी। नाउ टीनोफोर आर कॉमनली नोन एज सी वॉलनट और कॉम जेलीज, टीनोफोर की बात कर रहे हैं तो टीनोफोर में आपको एक दो फीचर्स मिलते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर जो टीनोफोर में मिलता है। बायोल्यूमिनेसेंस मतलब चमक रहे हैं, वो लाइट इमिट कर रहे हैं, तो दैट इज बायोल्यूमिनेसेंस। टीनोफोर आर एक्सक्लूसिवली मरीन, बहुत बार पूछा गया सवाल कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिवली मरीन, तो टीनोफोर होगा। यहाँ पे इनके लिए एक और इंपॉर्टेंट लाइन आ जाता है कि इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल मीन से होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि कॉम्ब प्लेट कितने होते हैं, कितने रोज में होते हैं, तो लिख लीजिएगा 8 एक्सटर्नल रोज, ये इंपॉर्टेंट आ जाता है, 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ कॉम्ब प्लेट। कॉम्ब प्लेट्स क्या चीज में मदद करते हैं, टीनोफोर कॉम्प्लेट्स क्या चीज में मदद करते हैं, लोकोमोशन में। टीनोफोर के एग्जाम्पल जनरली जब आप पढ़ते हो तो टीनो प्लाना पढ़ लेते हो, ठीक है। कभी कभी सी वॉलनट देके भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ आइए नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। नाउ हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म ऑफ प्लैटिहेल्मिंथस, ये चीज याद रखिएगा कि प्लैटिहेल्मिंथस सारी के सारे ये पैरासाइटिक नहीं हो रहे हैं, जो पैरासाइटिक होते हैं उनमें आपको हुक्स और सकर्स देखने को मिल रहे हैं। स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड इज फ्लेम सेल, फ्लेम सेल एक्सक्रीशन में मदद करता है प्लैटिहेल्मिंथस में, एज वेल एज इन ओस्मो रेगुलेशन, वाटर का बैलेंस बना के रखने में। प्लैटिहेल्मिंथस में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के साथ होता है। जनरली प्लैटिहेल्मिंथस जब आप पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि ये हर्माफ्रोडाइट की कैटेगरीज में आ रहे हैं, राइट। नाउ चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सब मेंबर ऑफ प्लैटिहेल्मिंथस लाइक प्लानेरिया, कभी कभी क्वेश्चन आता है ट्रू रीजनरेशन की कैपेसिटी किसमें है, तो आंसर भी प्लानेरिया, हाई रीजनरेशन देखने को मिलता है। नाउ आइए नेक्स्ट स्टेटमेंट करते हैं। टीनिया, टीनिया के बारे में आपने नाम सुना होगा, मेंबर ऑफ फाइलम प्लैटिहेल्मिंथस, इज कॉल्ड एज टेप वॉर्म और फेसियोला, ओके इज कॉल्ड एज लिवर फ्लूक, बहुत बार पूछा गया है। फेसियोला हेपाटिका इसका पूरा नाम है, फाइन। द एलिमेंट्री कैनल एंड द मेंबर ऑफ एस्केल्माइंथिस, एस्केल्माइंथिस जैसे ही आप लिख रहे हो तो आपको याद आ रहा होगा, दीज फेलोज आर स्यूडोसिलोमेट, याद आ गया, यस याद आ गया, ओके। तो इसके अंदर वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स आता है, बहुत बार क्वेश्चन दिया गया है। फीमेल लॉन्गर हो जाती है मेल से, ये भी इंपॉर्टेंट डेटा है कि फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स इन एस्केल्माइंथिस, आपको ड्रॉइंग दिया गया एनसीआरटी बायोलॉजी में, याद करिएगा, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स का ड्रॉइंग देके दिखाया गया मेल और फीमेल। द मेंबर ऑफ द एस्केल्माइंथिस आर डायोशियस, डायोशियस का मतलब होता है सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, ओके। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल होता है, डेवलपमेंट मे भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ओके, डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकता है कुछ, ओके कोई सा भी। एस्केरिस ए मेंबर ऑफ फाइलम एस्केल्माइंथिस इज कॉमनली नोन एज राउंड वॉर्म, एस्केरिस को राउंड वॉर्म बोलते हैं। वुचरेरिया, वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी याद आ रहा है, फाइलेरियल वॉर्म मतलब क्या, ये क्या चीज से रिलेटेड आ जाता है वुचरेरिया, अगर आपको हल्का सा याद है, यस याद आ रहा है, एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, ओके। एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल, इसका पूरा नाम एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल, इट इज कॉल्ड एज हुक वॉर्म। नाउ एनिलीड्स पोजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स विच हेल्प इन लोकोमोशन, क्वेश्चन आएगा जो एनिलीड हो जाते हैं, एनिलीड के पास क्या मिलता है, सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडनल फॉर लोकोमोशन। नीरिस, नीरिस का आपको ड्रॉइंग दिया गया एनसीआरटी में, लैटरल अपेंडिजेस इनके पास होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पैरापोडिया, पैरापोडिया का काम क्या हो जाता है, स्विमिंग में मदद करते हैं, पैरापोडिया, लैटरल अपेंडिजेस इन द नीरिस। नाउ नेफ्रिडिया हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन इन एनिलीड्स, तो एनिलीड्स का जो नाम आया बहुत बार पूछा जाता है, एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं एनुलस, रिंग लाइक, ठीक है, एनुलस फ्रॉम द वर्ड एनुलस। नाउ न्यूरल सिस्टम ऑफ एनिलीड कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय लैटरल नर्व्स टू ए डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, यहाँ पे एक और क्वेश्चन फेमस है भाई, एनिलीड और अर्थ्रोपोड में क्या कॉमन आ जाता है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड कॉमन आ जाता है, लिख लीजिएगा, वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है एनिलीड में भी अर्थ्रोपोड में भी। अर्थ्रोपोड इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया, सबसे बड़ा फाइलम एनिमेलिया का किंगडम का कौन है, अर्थ्रोपोड है। ओवर 2/3 ऑफ ऑल द नेम्ड स्पीशीज ऑन द अर्थ आर मेंबर ऑफ दिस फाइलम, याद रखिएगा बहुत बड़ा बयान है, ओवर 2/3 ऑफ ऑल द नेम्ड स्पीशीज ऑन द अर्थ आर द मेंबर ऑफ द फाइलम अर्थ्रोपोड, डेफिनेटली। द बॉडी ऑफ द आर्थ्रोपोड इज कवर्ड बाई चाइटिनस एक्सोस्केलेटन, ओके, स्टैटोसिस्ट को बैलेंसिंग ऑर्गन बोलते हैं जो आर्थ्रोपोड में होता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि स्टैटोसिस्ट आर प्रेजेंट इन या फिर बैलेंसिंग ऑर्गन ऑफ आर्थ्रोपोड आर नोन एज, आंसर विल बी स्टैटोसिस्ट। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस इन आर्थ्रोपोड बाय मैल्फिजियन ट्यूब्यूल, कॉकरोच से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल एक्चुअली मिड गट और हाइंड गट के बीच में रहता है, याद रखिएगा, इसका नंबर कितना होता है, 100 से 150 था क्या। नाउ फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इन मोस्ट ऑफ द आर्थ्रोपोड्स, अब आता है आर्थ्रोपोड के एग्जांपल में लोकस्ट, लोकस्ट इज ए ग्रेगेरियस पेस्ट हो जाता है, ये फसलों को डिस्ट्रॉय कर देता है, आपको पता है लास्ट टाइम नीट 2020 से पहले एक्चुअली इंडिया में जब लॉकडाउन था तब ये लोकस्ट का बहुत अटैक हुआ था, ये राजस्थान में, हरियाणा में, यूपी में, इस साइड के पंजाब, ये सब जगह पे अटैक हुआ था लोकस्ट का। और लिमुलस इज ए लिविंग फॉसिल, लिमुलस किंग क्रैब आपको याद रहेगा। नाउ मोलस्का इज द सेकंड लार्जेस्ट किंगडम ऑफ, मतलब सॉरी, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम, ओके, मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट किंग, ये फाइलम है, सबसे बड़ा फाइलम कौन सा था, आर्थ्रोपोड था, फाइन। अब ये जो मोलस्का आ जाते हैं, मोलस्का में एक्चुअली कैलकेरियस शेल देखने को मिलता है, मोलस्का के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो पक्का से बनता है, रेडुला, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन कॉल्ड एज रेडुला मिलता है माउथ के अंदर, याद रखिएगा। ये मोलस्का के अंदर जो होता है ना, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, इनका डिवीजन, इनके पास क्या क्या हो जाते हैं, विसरल हम्प देखने को मिलता है, ठीक है, विसरल हम्प देखने को मिल रहा है, देन इसके बाद मेंटल कैविटी देखने को मिलती है,
पिंटाडा इज कॉल्ड एज पर्ल ऑयस्टर। बहुत बार एग्जाम में गलती करते हैं बच्चे कि कभी आपको दिया जाता है पर्ल ऑयस्टर और आप पाइला मार देते हो। पाइला इज एक्चुअली एप्पल स्नेल और पिंटाडा इज योर पर्ल ऑयस्टर। फाइन, सीपिया को क्या बोलते हैं? कटल फिश, और ऑक्टोपस को डेविल फिश। ये एनसीईआरटी में भी कवर्ड है, सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट इन एकाइनोडर्म। एकाइनोडर्म, एकाइनोडर्म याद आ रहा है? यस, याद आ रहा है। एकाइनोडर्म्स में क्या हो जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है विथ माउथ ऑन द वेंट्रल, MV, माउथ वेंट्रल साइड, और AD, एनस ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी। एकाइनोडर्म एक्चुअली ड्यूट्रोस्टोम भी होते हैं। ड्यूट्रोस्टोम मतलब एनस डेवलप्स फर्स्ट, ओके, ब्लास्टोपोर की ओपनिंग से। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ एकाइनोडर्म इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम। यहाँ पे वाटर वास्कुलर सिस्टम है, और जब आप पोरीफेरा पढ़ रहे थे कैनल सिस्टम था। फाइन, एग्जाम में गलती मत करिएगा, पूछा जाता है ये कि द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ एकाइनोडर्म इज वाटर वास्कुलर सिस्टम। एकाइनोडर्म में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, ओके, लार्वल फॉर्म देखने को मिलता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में, याद रखिएगा। ओके, एक इंपॉर्टेंट चीज है एकाइनोडर्म से रिलेटेड, वो कवर कर लेना चाहिए। एकाइनोडर्म में जो लार्वा रहता है उसकी सिमेट्री बायलैटरल रहती है, और जब ये अडल्ट हो जाते हैं तो रेडियल सिमेट्री हो जाती है। एग्जाम में आता है ये बहुत बार। ओके, काइनस इज ऑल्सो कॉल्ड सी अर्चिन, ओके, एंटीडोन इज सी लिली, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर। सारे एग्जाम्पल आ गए आपके एकाइनोडर्म्स के। एस्टेरियस इज कॉल्ड स्टार फिश, ओफ्यूरा को ब्रिटल स्टार भी बोलते हैं, ब्रिटल स्टार। द बॉडी ऑफ द हेमिकॉर्डेट, अब हम बात करने वाले हेमिकॉर्डेट के लिए। हेमिकॉर्डेट का हम लोग सब कुछ करने वाले, आराम से देखते हैं, आइए। हेमिकॉर्डेट की जो बॉडी है दैट इज सिलेंड्रिकल एंड कंपोज्ड ऑफ एंटीरियर प्रोबोसिस, कॉलर एंड लॉन्ग ट्रंक। पूछा जाता है द बॉडी ऑफ हेमिकॉर्डेट इज डिवाइडेड इनटू प्रोबोसिस, विगॉट, और कॉलर एंड लॉन्ग ट्रंक। इन हेमिकॉर्डेट रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज द प्रोबोसिस ग्लैंड। ओके, हेमिकॉर्डेट के एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या हो जाएंगे? प्रोबोसिस ग्लैंड हो जाते हैं, याद रखिएगा। रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इन हेमिकॉर्डेट्स। हेमिकॉर्डेट्स में फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। वहीं पे जब मैं कॉर्डेट्स की बात करता हूँ, कॉर्डेट्स में क्या कैरेक्टरिस्टिक मिलता है ये देखते हैं। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ए डॉर्सल नॉलो, ओके, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। तो डॉर्सल, इनका नर्व कॉर्ड कैसा है? डॉर्सल है और ये हॉलो है, डॉर्सल पीछे की तरफ इनका नर्व कॉर्ड देखने को मिल रहा है। फाइन, एंड पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट। अब जरूरी नहीं है कि थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट हो, अगर ये एम्ब्रायनिक कंडीशन में प्रेजेंट है तो वो गायब भी हो सकता है अडल्ट में। ओके, सब फाइला यूरोकॉर्डेट, तो यूरो का मतलब ही टेल से रिलेटेड आ जा रहा है। तो यूरोकॉर्डेट में नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द लार्वा का टेल। केफालोकॉर्डेट भी एग्जांपल में दिया गया, देख लीजिए। केफालोकॉर्डेट और यूरोकॉर्डेट आर ऑफन रिफर्ड टू एज प्रोटोकॉर्डेट एंड आर एक्सक्लूसिवली मरीन। तो अगर मैं आपसे पूछू तीन, बोलूंगा कि भाई तीन आप सिर्फ बता दो मेरे को, तीन जन या फिर तीन एग्जाम्पल्स बता दो जो लोग एक्सक्लूसिवली मरीन है, तो आप बोल सकते हो यूरोकॉर्डेट, आराम से बोल दोगे। आप केफालोकॉर्डेट भी बोल दोगे आराम से। और आप कुछ बताना चाहो, यस, डेफिनेटली बता सकते हो आप। मैंने अभी अभी बताया था एकाइनोडर्म एक्सक्लूसिवली हो जाते हैं, और किसको कवर किया था आप डेफिनेटली कमेंट में बताइएगा, एक और जन को मैंने कवर किया था। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम। तो क्वेश्चन है, नोटोकॉर्ड अडल्ट में रिप्लेस क्या चीज से हो जाता है? वर्टिब्रल कॉलम से। ओके, नाउ साइक्लोस्टोम आर एक्टो पैरासाइट ऑन सम फिशेस, ये इंपॉर्टेंट आ जाता है। साइक्लोस्टोम जो हो जाते हैं वो एक्टो पैरासाइट होते हैं सम फिशेस के, कुछ फिशेस के ऊपर। दे हैव एलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट फॉर रेस्पिरेशन। नाउ साइक्लोस्टोम हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज। तो विदाउट जॉज होते हैं साइक्लोस्टोम, और देयर बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल एंड पेयर्ड फिन। तो साइक्लोस्टोम के स्टोम के पास क्या हो जाता है? इनके जो बेसिकली देयर बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल एंड पेयर्ड फिन। पेयर्ड फिन्स नहीं होते, और ऊपर गिल स्लिट बोला हमें, ध्यान दीजिएगा, पेयर्ड फिन्स नहीं होते, बट इनके जो गिल स्लिट होते हैं कितने हो जाते हैं? 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट फॉर रेस्पिरेशन। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस इन साइक्लोस्टोम्स। साइक्लोस्टोम में वर्टिब्रल कॉलम एंड क्रेनियम आर क्या हो जाते हैं? कार्टिलेजिनस। द माउथ ऑफ कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट मतलब कार्टिलेजिनस फिश। कार्टिलेजिनस फिश का जो माउथ हो जाता है दैट इज लोकेटेड वेंट्रली, एंड टीथ आर मॉडिफाइड प्लैकॉइड स्केल। बहुत बार एमसीक्यू पूछा गया यहाँ से, विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर। देखो, इनके एयर ब्लैडर नहीं है तो इनको कंटिन्यूअसली तैरना पड़ेगा, नहीं तो डूब जाएंगे, अवॉइड सिंकिंग, इसीलिए लिखा गया है। गिल कवर इज नोन एज ओपरकुलम, एब्सेंट इन कॉन्ड्रोसाइट्स। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, उसके बाद कॉन्ड्रोसाइट्स के कुछ एग्जाम्पल आ जाते हैं। टॉर्पेडो, ओके, हैज इलेक्ट्रिक ऑर्गन, ट्राइगोन के पास पॉइजनस स्टिंग होता है। कॉन्ड्रोसाइट में मेल बियर क्लास्पर ऑन पेल्विक फिन। अब आप बोलोगे ये याद कर लिया काम हो जाएगा, नहीं, यहाँ से क्वेश्चन दिया जाता है शार्क से रिलेटेड। ऑप्शन आपको दिया जाएगा मेल शार्क, ओके, मेल शार्क बियर क्लास्पर ऑन डैश फिन, तो आप आंसर कर पाओगे पेल्विक फिन। या फिर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि शार्क के पास कौन से, मतलब ये क्लास्पर्स कहाँ पे होते हैं, या फिर आपसे कभी फीमेल दे देगा तो ऑब्वियसली वो गलत होगा ना। ऑस्टियोसाइट में माउथ इज टर्मिनल इन पोजिशन, मतलब बोनी फिश के अंदर, बोनी फिश के पास 4 पेयर ऑफ गिल्स हो जाते हैं, लिख लीजिएगा, विच आर कवर्ड बाय ओपरकुलम। वहीं पे कार्टिलेजिनस फिश के पास बिना ऊपर कुलम का था, बिना कवरिंग के था ना, याद आ रहा है? यस, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विद डायरेक्ट डेवलपमेंट। ओके, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन आ जा रहा है कि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है ऑस्टियोसाइट्स में विद डायरेक्ट डेवलपमेंट। वहीं पे जब आप पढ़ रहे थे कॉन्ड्रोसाइट्स, ऑब्वियसली अलग आ गया था यहाँ पे, तो ये डिफरेंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी पूछा जाता है आपसे कि बोनी फिश और कार्टिलेजिनस फिश में सिमिलैरिटी क्या है, ऑप्शन मैं आपको बता दे रहा हूँ वही रहने वाला है। ओके, प्रेजेंस ऑफ 2 chambered हार्ट, आप आंसर करने वाले हो, दोनों में 2 chambered हार्ट होते हैं तो वो दोनों सही रहेगा, ठीक है। बीटा, बीटा इज कॉल्ड एज फ्लाइंग, ओके, फाइटिंग फिश, फ्लाइंग फिश बोलते हैं एक्सोकॉइटस को, टेरोफाइलम को एंजल फिश बोलते हैं। फाइन, नाउ
टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर इन एम्फीबियन एंड क्लोआका इज अ कॉमन चेंबर फॉर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनल यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है क्लोआका में कौन कौन से सिस्टम ओपन हो रहे हैं, तो आपका बेसिकली डाइजेस्टिव, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव तीनों ओपन हो रहे हैं क्लोआका में। इक्टियोफिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिम्बलेस एम्फीबियन, क्वेश्चन आता है यहाँ से इक्टियोफिस को क्या बोलते हैं लिम्बलेस एम्फीबियन, बहुत फेमस क्वेश्चन है। रेप्टाइल के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल, आप खुद सोच के देखो, आपने कभी देखा कि ये आपकी छिपकली जो है घर में छिपकली अंडा दे दी और मेल छिपकली अंडा दे दिया, दोनों मिलकर अंडे ऐसे या स्पर्म दे दिया, सॉरी अंडा या स्पर्म दे दिया, मिला नहीं, उनमें क्या हो जाता है फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, इफ यू गाइस कैन रिलेट राइट। तो रेप्टाइल में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, बट वहीं पे जो एम्फीबियन होते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो जाता है। फाइन, रेप्टाइल के अंदर डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ओके, नाउ कैमेलियन इज कॉमनली नोन एज ट्री लिजार्ड, हेमीडैक्टाइलस वॉल लिजार्ड, कैलोट्स को गार्डन लिजार्ड बोलते हैं, इन मेंबर ऑफ एव। ओके, एव्स का जो मेंबर हो जाते हैं चिड़िया वाला, स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड। अब यहाँ पे एक ग्लैंड आपको देखने को मिल रहा है, बेस ऑफ टेल लिख लीजिएगा टी आई एल, ठीक है, एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट एट द बेस ऑफ टेल, ये इंपॉर्टेंट आ जाता है। ओके, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड हैज एडिशनल चेंबर क्रॉप एंड गिजार्ड। ओके, एयर सैक आर कनेक्टेड टू लंग्स एंड सप्लीमेंट रेस्पिरेशन इन बर्ड। ओके, एयर सैक जो होते हैं ना, जैसे आप पिजन में पढ़ते हो तो 9 एयर सैक मिलते हैं, बट वहां पे एक्सचेंज नहीं होता, वो सप्लीमेंट करते हैं, लंग्स के पास हवा भेज सकते हैं वो, राइट। नाउ नियोफ्रॉन को वल्चर बोलते हैं, नियोफ्रॉन, स्ट्रुथियो को ऑस्ट्रिच बोलते हैं, पिस्टाकुला इज योर पैरट एंड पैवो इज योर पिकॉक। बहुत बार पूछा गया है आपको स्ट्रुथियो से हो गया, ये सबसे पूछा जाता है। इन एव में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट होता है। कुछ कुछ ऐसे डेवलपमेंट होते हैं जो आप खुद ही याद कर लोगे सोच के, इमेजिनेशन से, यहाँ पे ये तो ऐसे ही होता है, नॉर्मली दिखते हैं बच्चे इसमें। ओके, लार्वा वाला कुछ कहानी नहीं रहता इनमें। ओके, द मोस्ट यूनिक मैमिलियन कैरेक्टरिस्टिक इज द प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स। तो मैमरी ग्लैंड मैमल में देखने को मिल रहा है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है द स्किन ऑफ मैमल इज यूनिक इन पोजेसिंग हेयर। ओके, मैमल के जो स्किन उसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं स्किन पे, एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना, हमारे पास पिन्ना भी प्रेजेंट होता है मैमल्स के पास। ओके, आई होप गाइस सब कुछ समझ आ गया हो, मैंने इतने ज्यादा पॉइंट्स कवर किए हैं वेरी शॉर्ट पीरियड में। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया, आपको जल्द ही अपडेट मिल जाएगा, या फिर डेली जब चैप्टर की वीडियो मैं अपलोड करता हूँ मैं उसका लिंक नीचे डाल देता हूँ कि आप समझ पाओ कि क्या कहानी हुई है। ऐसे करके हमने 3 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर किए हैं, ये जिस प्लेलिस्ट में है वीडियो उस प्लेलिस्ट को आप पूरा देख सकते हो, या इंडिविजुअल वीडियो को सेव कर लीजिए, नीट में एग्जाम से पहले बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं रहेगा, आप पूरा बुक उठा के देखो, या फिर अगर आप कभी कुछ काम कर रहे हो और कहीं जहाँ बाहर आप ट्रैवल कर रहे हो तो वीडियो आपकी बहुत मदद कर सकती है। और अगर वीडियो मदद करने वाली लगी आपको, मिस्टर मेडिको चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने आसपास जितने भी दोस्त हैं नीट एस्पिरेंट या जो अभी 11th 12th में गए हैं उनसे भी आप सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा। और आर गोल इज टू लाइक ये प्रोवाइड करना चाहते हैं आपको कुछ ऐसे चीज जो आप नीट एग्जाम देने से पहले डेफिनेटली खोल के देखो, और वीडियो डाउनलोड कर लीजिएगा अभी नहीं तो बाद में, लेकिन इसको वॉच लेटर में डाल दीजिए, जिससे नीट से पहले आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। थैंक यू सो मच।